और इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर, 9:15 इस वक्त का समय। और सबसे बड़ी खबर, ईडी की चार्जशीट में पहली बार प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम सामने आया है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आप देख रहे हैं, ईडी की चार्जशीट में पहली बार प्रियंका गांधी का नाम सामने आया है। और ये एक बहुत बड़ी खबर इसलिए ऐसे क्योंकि प्रियंका गांधी का नाम अब से पहले सामने नहीं आया था, उनके पति का नाम रॉबर्ट वाड्रा का जरूर सामने आता रहा था, लेकिन प्रियंका गांधी का नाम सामने आना अपने आप में बहुत बड़ी खबर। आनंद तिवारी हमारे साथ हमारे सहयोगी फोनलाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। आनंद का रुख करेंगे, लेकिन बड़ी खबर आप देख रहे हैं कि प्रियंका गांधी पर शिकंजा कसता दिख रहा है। ईडी की चार्जशीट में नाम सामने आना यानी कि प्रियंका गांधी से पूछताछ भी हो सकती है, उनको बुलाया भी जा सकता है, कई मसलों पर उनसे पूछताछ हो सकती है। और क्योंकि राजनीति का बहुत बड़ा चेहरा है, राहुल गांधी के बहन, कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा, ऐसे में प्रियंका गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आनंद तिवारी हमारे साथ हमारे सहयोगी फोनलाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। आनंद, बहुत बड़ी बात है प्रियंका गांधी का नाम सामने आना। देखिए, हालांकि पहली बार ऐसा हुआ है कि ईडी की चार्जशीट में प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम सामने आया है, लेकिन ये साफ करते हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा को बतौर आरोपी चार्जशीट में शामिल नहीं किया गया। लेकिन जिस तरह से एक फाइनेंशियल डील की गई जमीन की, उस सिलसिले में प्रियंका गांधी वाड्रा के नाम का जिक्र किया गया है, क्योंकि हाल ही में सीपी थम्पी और सुमित चड्ढा के खिलाफ एक चार्जशीट जो है वो ईडी ने दाखिल की थी, उसमें प्रियंका गांधी के नाम का जिक्र किया गया है कि किस तरह से प्रियंका गांधी ने भी जो है वो फरीदाबाद में जमीन खरीदी थी और संजय भंडारी के करीबी थे जो थम्पी और वाड्रा थे। तो इस फाइनेंशियल डील को लेकर जो है वो प्रियंका गांधी का नाम सामने आया है। अभी ये कहना जल्दबाजी होगा कि क्या प्रियंका गांधी वाड्रा को संबंध ईडी करेगी। अगर ये करती है तो जाहिर तौर पर प्रियंका गांधी वाड्रा को कई तरह के सवालों के जवाब देना पड़ेगा। आनंद, आप कई सारे केसेस देखते रहे ईडी से जुड़े हुए, आप जरा समझाइए, अगर उनका नाम इस तरीके से नहीं आया तो क्या पूछताछ के लिए ऐसे बुलाया जा सकता है? अगर कोई व्यक्ति उस केस से जुड़ रहा है तो उससे पूछताछ तो की जाएगी ना कि आपका नाम जुड़ा है, आप आइए बताइए, अपनी सफाई रखिए। अपना ईडी फेमा और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करती है, तो जाहिर तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग पीएमएलए का ये केस था जिस मामले की तफ्तीश लगातार ईडी कर रही थी, और उसमें जो ईडी ने एक चार्जशीट दाखिल की थी उसमें प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा का नाम सामने आया। तो ये कहना गलत आने वाले वक्त में ईडी प्रियंका गांधी वाड्रा से कुछ सवाल जाना है या उनका पक्ष इसमें जानना है कि फाइनेंशियल डील जो हुई थी क्या ये पूरी तरह से लीगल थी या उसमें किस तरह से डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल किया गया, जो मनी ट्रेल थी वो क्या थी। तो बहुत हद तक ये कहना गलत भी नहीं होगा कि प्रियंका गांधी वाड्रा को अगर ईडी को जरूरत लगती है तो उनसे वो पूछताछ भी कर सकती है। कैसे उनका नाम सामने आया, उनके पति का नाम कई केसेस में और पहले सामने आ चुका है, लेकिन राजनीति का एक बहुत बड़ा चेहरा है वो, और आने वाले समय में अगर हम देखते हैं तो कांग्रेस कहीं ना कहीं कोशिश करती है प्रियंका गांधी वाड्रा को सामने रखने की, तो उनका नाम किस मामले से सामने आया वो जरा आप संक्षिप्त में समझा पाए दर्शकों को। देखिए बिल्कुल सपना, साल 2005-06 के बीच फरीदाबाद के अमीरपुर गांव में एक जो थम्पी के करीबी प्रॉपर्टी डीलर है बाहवा, उन्होंने रॉबर्ट वाड्रा से जमीन खरीदी थी करीबन 40.8 एकड़ की, और जिसे दिसंबर साल 2010 में बाहवा को ही वापस भेज दिया गया था। इसी तरह प्रियंका गांधी वाड्रा के नाम का भी इसी अमीरपुर गांव के जो साल 2006 में जमीन खरीदी गई थी उसे साल 2010 में पावा को वापस भेज दिया गया। तो ये चीज ईडी को थोड़ी खटकी थी कि ये जमीन को वापस पहले खरीदा जा रहा है फिर उसी शख्स को वापस बेचा जा रहा है, उसी तफ्तीश के दौरान रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम सामने आया था। ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास में। इस बीच बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जमीन घोटाला मामला, जैसा आनंद आपको समझा रहे हैं, दरअसल एक मामला ये 2005-06 का है जिसमें एक जमीन प्रियंका गांधी के नाम की भी, एक जमीन रॉबर्ट वाड्रा के नाम की भी, सीधा सीधा नाम सामने नहीं आया, लेकिन ऐसे जरूर आया है कि वो जमीन जिस व्यक्ति से आपने खरीदी फिर से उसी व्यक्ति को आप क्यों बेच रहे हैं, क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी है? आनंद का मैं एक बार फिर से रुख करूंगी। आनंद, कितनी मुश्किलें बढ़ सकती हैं न केवल राजनीतिक लिहाज से बल्कि अगर हम पूछताछ के लिहाज से भी देखते हैं, क्योंकि पहले भी राजनेताओं से जब पूछताछ हुई है तो उनके लिए बड़ी मुश्किल हो गई है। देखिए बिल्कुल सपना, जिस सीसी थम्पी और सुमित चड्ढा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, ईडी की जो जांच है उसमें सामने आया है कि ये जो पावा है वो थम्पी का बेहद करीबी था और इसी अमीरपुर गांव में थम्पी को भी जमीन पावा ने बेची थी। तो आप समझिए कि जिन लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है उसका कनेक्शन सीधे तौर पर जो रॉबर्ट वाड्रा के करीबी है उनसे जुड़ा पाया गया, रॉबर्ट वाड्रा से खुद जुड़ा पाया गया, और रॉबर्ट वाड्रा की जो पत्नी है प्रियंका गांधी वाड्रा उनसे उसके लिंक जो है वो कनेक्ट ईडी ने किए हैं।
अभी ईडी की तफ्तीश लगातार जारी है और ये कहना भी जल्दबाजी होगा कि ईडी अगर पूरे मामले की तफ्तीश में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करती है तो उसमें क्या कुछ खुलासे होंगे। लेकिन रॉबर्ट वाड्रा पहले ही ईडी के रडार पर है, एक और मामले में लगातार उनके खिलाफ ईडी की जांच चल रही है। एक जयपुर में भी एक मामला चल रहा है जमीन से जुड़ा हुआ, जिसमें भी रॉबर्ट वाड्रा ईडी के सामने पेश हो चुके हैं। तो अब जिस तरह से प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम पहली बार सामने आया है, तो जाहिर तौर पर अब ईडी को अगर लगता है कि उनसे पूछताछ करना है तो जरूर उन्हें पीएमएलए के तहत जो है वो समन जारी किया जा सकता है। ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास में। अरुण हमारे साथ हमारे सहयोगी फोनलाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। अरुण, अभी सिर्फ नाम सामने आया है, लेकिन आप लंबे समय से कांग्रेस कवर कर रहे हैं, बहुत मुश्किल हो जाएगी कांग्रेस के लिए अगर सिर्फ नाम तक सामने आ गया, क्योंकि हमने देखा है राजनेताओं का अगर नाम भी सामने रहे तो एक परसेप्शन क्रिएट होता है, और जब आप चुनावी मोड में जा रहे हैं तब तो और ज्यादा। लोकसभा चुनाव एकदम सामने है और ऐसे में जिक्र आना उनके नाम का, प्रियंका गांधी के नाम का, देखिए इसके पहले की अगर बात करें तो सोनिया गांधी से ईडी पूछताछ कर चुकी है, हालांकि मामला दूसरा था, नेशनल हेराल्ड का मामला था, राहुल गांधी से पूछताछ कर चुकी है, मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछताछ कर चुकी है, पवन कुमार बंसल से पूछताछ कर चुकी है, लेकिन इस मामले में रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े मामले में, जमीन के खरीद फरोख्त के मामले में प्रियंका गांधी का नाम पहली बार आया है। हालांकि हम साफ कर देना चाहते हैं वो आरोपी नहीं बनाई गई है, सिर्फ उनके नाम का जिक्र हुआ है, लेकिन फिर भी इसके राजनीतिक निहितार्थ होंगे, राजनीतिक विवाद तो पैदा हो ही जाएगा, क्योंकि कांग्रेस एक बार फिर जोर शोर से ये दलील देगी कि अब चुनाव सामने है, पिछले कई सालों से रॉबर्ट वाड्रा को जिस तरह से परेशान किया जा रहा है, उनको राजनीतिक निशाना बनाया जा रहा है, उसी तरह प्रियंका गांधी को भी निशाना बना के 2024 में कांग्रेस की उम्मीदों पर पानी फेरना चाहती है सरकार। लेकिन जो तथ्य है और जो कानून है उसके अगर आलोक में उसके नजरिए से देखें तो एक बड़ा झटका जरूर है ये, हालांकि इसके राजनीतिक परिणाम क्या होंगे ये अभी आने वाला समय बताएगा और कांग्रेस कैसे रिस्पॉन्ड करेगी ये भी देखने वाली बात होगी, लेकिन प्रियंका गांधी का जिक्र आना ही राजनीति में एक तरह से भूचाल लाने जैसा है। हालांकि एक बार फिर साफ करें ये वो आरोपी नहीं है, सिर्फ उनके नाम का जिक्र हुआ है, अभी ईडी और इसमें डिटेल देगी कि आखिर उनका कसूर क्या है, उन पर क्या आरोप तय हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं, ये सब अभी बातें आना बाकी है। ठीक है, शुक्रिया अरुण आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें एक मामला जिसमें नाम प्रियंका गांधी वाड्रा का सामने आया है, दो ऐसे नाम हैं जिनके बीच में तालमेल कहीं देखा गया, फाइनेंशियल डील कहीं देखी गई। ये तस्वीर जो अभी आप देख रहे हैं ये एकदम लाइव तस्वीर थी जो अभी आपने अब से पहले देखी, हमने आपको दिखाई कि वहां पर किस तरीके से आप देख रहे हैं कांग्रेस के नेताओं का जमावड़ा है। प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस का, गांधी परिवार का एक बहुत बड़ा चेहरा, उनका सिर्फ नाम सामने आ जाना और वो भी तब जब चुनाव के मोड में है, चुनाव के मुहाने पर पार्टियां खड़ी हुई हैं, आपको तय करना है कि चुनाव कैसे लड़ा जाए, और क्योंकि सामने बीजेपी लगातार ये कहती रही है, कई मर्तबा कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाती रही है, क्या इस बार भी वो इस कदर कोई आरोप लगाएगी, क्योंकि ये मामला बड़ा गंभीर है। ये अभी लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि ये लाइव तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद हैं, उनके साथ में कई बड़े चेहरे कांग्रेस के मौजूद हैं, और देखिए बातचीत हो रही है, लेकिन बातचीत निश्चित तौर पर इस मसले पर भी होगी। और जैसा अरुण ने कहा कि देखिए इससे पहले भी मामले सामने आए, तब भी कांग्रेस ने कहा कि जानबूझ कर किया जाता है, कैसे जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जाता है, लेकिन एक तथ्य यह भी है कि जांच एजेंसियों के सहारे बीजेपी सामने तथ्य रखती है कि जब आपका नाम सामने आए तो तब बात कर रहे हैं, इससे पहले हमने प्रियंका गांधी या किसी पर नहीं निशाना साधा था, लेकिन नाम सामने आना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ये पूरा मामला क्या है वो हम आपको दिखा रहे हैं, 2005-06 का मामला है, रॉबर्ट वाड्रा ने जमीन खरीदी थी, प्रियंका गांधी के नाम से भी जमीन खरीदी गई। अब मामला कहां फंसा कि जिस व्यक्ति से आपने जमीनें खरीदी उसी व्यक्ति को आप जमीन बेच रहे हैं, ये पूरा मामला। लेकिन ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, राहुल गांधी मौजूद हैं, उनकी बहन मौजूद हैं, कांग्रेस के बड़े बड़े चेहरे मौजूद हैं वहां पर आप देख सकते हैं, और मंथन चल रहा है जहां राहुल गांधी अपनी भारत न्याय यात्रा जनवरी में शुरू करने जा रहे हैं, उसमें अगर ये खबर सामने आना निश्चित तौर पर कांग्रेस को परेशान करेगा और बीजेपी को कहीं ना कहीं बैठे बैठा एक मुद्दा भी मिल सकता है। अभी आपने देखा अभी हाल ही में किस तरीके से झारखंड में कांग्रेस के ही सांसद थे, उनके घर से करोड़ों करोड़ रुपए मिलते हैं, तब भी बीजेपी ने निशाना साधा, और अब प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम सामने आना बहुत बड़ी बात है।